करनाल पुलिस ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तीन आरोपियों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिनमें दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास भी तेज कर दिए हैं। 26 अक्टूबर को मुगल माजरा रोड पर तीन अज्ञात बाइक सवार युवकों ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे बाइक लगाकर ट्रैक्टर को रुकवाया था। इस दौरान आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसको जान से मारने की धमकी देकर ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट कर फरार हो गए। जिस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ट्रैक्टर ड्राइवर संदीप निवासी गांव मैनपुरा ने शिकायत दी थी। शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धरपकड़ तक पहुंचने के लिए टीम का गठन किया। इसके बाद टीम ने जांच तफ्तीश शुरू की। इस दौरान टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करके एक आरोपी राकेश कुमार निवासी गांव चुरनीपुर करनाल को झिलमिल ढाबा करनाल के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित धर दबोचा। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी ने अपने दो अन्य साथी विनोद निवासी गांव पुरानी चुरनीपुर करनाल, संदीप निवासी गांव डबरकी कलां के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात का खुलासा किया, जिस पर दूसरे आरोपी विनोद निवासी गांव पुरानी चुरनीपुर करनाल को मेरठ रोड करनाल से काबू किया गया। दौराने पूछताछ आरोपियों ने खुलासा किया कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी राकेश ट्रैक्टर ट्रॉली में चुरनीपुर शराब ठेका से लिफ्ट लेकर बैठा था, जो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली की लोकेशन देता रहा, जिसके चलते मुगल माजरा के पास वारदात को अंजाम दिया। बताते चले कि आरोपी राकेश के खिलाफ लड़ाई झगड़े के पहले दो मामले दर्ज हैं। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने फरार तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।